हमने कर्व ट्रेसिंग स्टार्ट किया है तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कर्व ट्रेसिंग होता कैसे। तो पहला स्टेप, जैसे इसमें हम स्टेप किसी भी ऑर्डर में फॉलो कर सकते हैं। कर्व ट्रेसिंग का पर्पस एग्जैक्ट ग्राफ बनाना नहीं बल्कि रफ ग्राफ बनाना है, ताकि हम समझ सकें कि मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं, कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं ग्राफ का। तो यहाँ देखते हैं, वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स। पहले देखते हैं कि फंक्शन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करेगा। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी डालूँ तो इन्फिनिटी क्यूब माइनस थ्री टाइम्स इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स क्यूब बड़ा है, थ्री एक्स एक क्यूबिक पावर है, तो इन्फिनिटी की तरह ये कुछ इन्फिनिटी की तरह जाएगा फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक मार्क बना देता हूँ इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे देखते हैं फंक्शन कैसा बिहेव करेगा। माइनस इन्फिनिटी पे अगर मैं माइनस इन्फिनिटी डालूँ, अगेन एक्स, क्योंकि एक्स की पावर थ्री है, तो एक्स क्यूब विल डोमिनेट ओवर एक्स एंड देयर फोर फंक्शन विल अप्रोच माइनस इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी। यानी यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया, यानी कि फंक्शन का बिहेवियर या तो कुछ ऐसा होगा या कुछ ऐसा होगा। क्यूबिक के केस में हमें पता है कि या तो उसके एक लोकल मैक्सिमा मिनिमा होंगे या एक भी नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक मैक्सिमा हो, क्योंकि फिर अगर सिर्फ एक मैक्सिमा होता है तो फंक्शन फिर नीचे जाएगा और फिर से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इन दो में से एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये हुआ हमारा रफ ड्राफ्ट वर्जन वन। अब देखते हैं कि इन दो में से कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, हमें वाई डैश लूँगा। जो मेरा वाई डैश है वो आएगा मेरा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू थ्री टाइम्स एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। मेरा वाई डैश जो है वो दो जगह जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन, यानी कि मेरा दो जगह डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। अगर मैं केस वन लेता हूँ तो मेरा डेरिवेटिव दो जगह जीरो नहीं हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक जगह जीरो हो सकता है। बट इस केस में मेरा डेरिवेटिव दो जगह जीरो हो रहा है। व्हाट दैट मीन्स इज बेसिकली कि फंक्शन का एक लोकल मैक्सिमा है एंड एक लोकल मिनिमा है। हम फर्दर जा सकते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट या सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, जो हमने पहले पढ़ा था, देखकर कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो पहले मैक्सिमा होना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड बाद में मिनिमा होना पड़ेगा। तो यानी माइनस वन पॉइंट जो है वो हमारा लोकल मैक्सिमा आ जाता है एंड प्लस वन पॉइंट जो है वो हमारा लोकल मिनिमा आ जाता है। तो ये तो हुआ हमारा रफ ग्राफ। तो ये एक एग्जांपल हुआ, यहाँ पर हमने देखा कैसे अगर हमें कोई फंक्शन दिया है तो हम उसका रफ ग्राफ बना सकते हैं। अब इस रफ ग्राफ से हमें हेल्प क्या मिली, इस रफ ग्राफ से हमें समझ आया कि फंक्शन का अगर हमें कोई बाउंडेड इंटरवल दिया है तो उसका मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, और अगर वो बाउंडेड इंटरवल माइनस वन और वन को इंक्लूड करता है तो उसका लोकल मैक्स और लोकल मिन भी होगा। अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कर्व ट्रेसिंग। जैसे अब अगर मुझे कोई और फंक्शन दिया है वाई इक्वल टू एक्स रेस टू फोर, या फिर मान लीजिए मुझे दिया है वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं विच इज़ शिफ्टिंग। तो मुझे वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर ग्राफ पता है तो क्या मैं वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री क्यूब का ग्राफ, एक्स माइनस थ्री होल क्यूब का ग्राफ निकाल सकता हूँ। अगर मैं एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब का ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा आता है, और अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा आता है। देखने में इनका शेप एग्जैक्ट सेम है, अंतर बस इतना है कि वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब का ग्राफ एक्स क्यूब ग्राफ को अगर तीन यूनिट शिफ्ट कर दें तो आता है। या इस कॉन्सेप्ट को हम शिफ्टिंग कहते हैं, विच मीन्स कि अगर मुझे कोई वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है तो मैं एफ ऑफ एक्स माइनस ए निकाल सकता हूँ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग। सिमिलरली अगर मेरा होता वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री होल क्यूब तो मैं इस ग्राफ को तीन यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देता एंड मेरा आ जाता। ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कर्व ट्रेसिंग में। अब हम जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे विच इज़ मैग्नीफिकेशन। यानी कि अगर मुझे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है तो क्या मैं y इक्वल टू साइन टू एक्स साइन y इक्वल टू साइन एक्स बाई टू वाई इक्वल टू टू साइन एक्स, क्या मैं ये तीन ग्राफ बना सकता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले स्टार्ट करते हैं y इक्वल टू टू साइन एक्स। अगर मुझे y इक्वल टू साइन एक्स गिवन है तो y इक्वल टू टू साइन एक्स का मतलब है कि जो भी वैल्यू ये फंक्शन ले रहा है उससे डबल वैल्यू ये वाला फंक्शन लेगा। यानी कि अगर मेरा y इक्वल टू साइन एक्स ऐसा है तो मेरा y इक्वल टू टू साइन एक्स हर पॉइंट पे उस वैल्यू को डबल करके, यानी रफली उसका शेप कुछ ऐसा होगा। तो ये मेरा वाई इक्वल टू टू साइन एक्स आया। अब क्या मैं, अगर मुझे वाई इक्वल टू साइन एक्स गिवन है तो क्या मैं वाई इक्वल टू साइन टू एक्स बना सकता हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका जो ये है, जैसे हम y इक्वल टू साइन एक्स का हमें पता है अगर अंदर का जो वो इनपुट है वो अगर पाई है तो वैल्यू जीरो होती है, जीरो है तो जीरो होती है, पाई बाय टू है तो वन होती है। तो यानी जब टू एक्स पाई होगा तो y जीरो होगा, यानी कि x इक्वल टू पाई बाय टू पे ये जीरो होगी, x इक्वल टू जीरो पे भी जीरो होगी। जब टू एक्स इक्वल टू पाई बाय टू होगा
तो ये फंक्शन वन वैल्यू लेगा, 2x इक्वल टू पाई बाई टू यानी x इक्वल टू पाई बाई फोर, यानी कि पाई बाई फोर पे ये फंक्शन ऐसा होगा। तो बेसिकली y इक्वल टू साइन टू x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पाई पर ये जीरो लेगा। ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन। इसको करने का सिंपल तरीका क्या है कि जब भी हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन हो एंड y इक्वल टू हमें एफ ऑफ ए एक्स निकालना है, तो बेसिकली हर पॉइंट हम ऑन द नंबर लाइन को a से डिवाइड कर देते हैं, उससे आ जाता है। तो कर्व ट्रेसिंग में दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक तो शिफ्टिंग, एक मैग्नीफिकेशन, एंड तीसरा फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव निकाल के प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे पॉइंट्स निकाल के एक रफ ग्राफ प्लॉट करना। तो इन तीन चार चीज़ों से हमें कोई भी अगर फंक्शन गिवन हो, हम मोस्ट फंक्शंस का एक रफ ग्राफ बना सकते हैं और अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। तो इससे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगा मैक्सिमा मिनिमा, इन जनरल मैक्सिमा एंड मिनिमा पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस एक टिपिकल क्वेश्चन दिया होता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स लेट्स से इज 24, फाइंड देयर मैक्सिमम प्रोडक्ट। क्या करें इसमें, मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे अप्लाई करें। हमने देखा मैक्सिमा एंड मिनिमा जहाँ भी था हमारे में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व था, यानी हमारा हर फंक्शन या तो एक्स का फंक्शन था, वाई का फंक्शन था, लेकिन कभी भी एक्स और वाई का फंक्शन नहीं था। तो इस केस में करते हैं, इस केस में टिपिकल जो सोल्यूशन होता है वो हम ऐसे प्रोसीड करते हैं। हम कहते हैं कि लेट द टू नंबर्स बी एक्स कॉमा वाई, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ दिस, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स पॉसिबल, यानी कि हमें एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन क्योंकि हमें बोला है मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 है एंड एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई इक्वल टू 24 माइनस एक्स हमारा यहाँ से आता है, जो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। अब हमारा इक्वेशन क्या बना, एक्स इंटू 24 माइनस एक्स, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको अगर मैं ब्रैकेट्स खोलूँ तो ये होता है 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक पॉलीनोमियल फंक्शन बन गया है। हमने अभी सीखा है पॉलीनोमियल फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अब तो आगे प्रोसीड करना काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ पर हमें कोई रेंज नहीं दी, हमें ये नहीं बताया कि ये नेचुरल नंबर्स हैं या नहीं, इसलिए हम मान के चलेंगे कि हमारा डोमेन आर है। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें कई बार सरफेस एरिया वॉल्यूम टाइप के गिवन होते हैं। फॉर इंस्टेंस हो सकता है हमें गिवन हो कि लेट्स से अगर एक कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट है, हमें उससे एक ओपन बॉक्स बनाना है, ओपन बॉक्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम पॉसिबल। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमें बोला गया कि इसका बेस जो है स्क्वायर होना चाहिए, तो लेट द साइड बी एक्स, इसकी हाइट हम वाई ले लेते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज इन मेकिंग दिस बॉक्स मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, दिस मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमारी एक इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर। हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होता है, एक्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, यानी एक्स स्क्वायर वाई मैक्सिमाइज करना है। तो अगेन बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक यहाँ पर है, इसको मैक्सिमाइज करना है। हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो हम यहाँ पे वाई को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है। अगर हम एक्स कॉमन है तो आता है एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। हमें मैक्सिमाइज करना है एक्स स्क्वायर वाई, तो हम यहाँ से वाई या एक्स किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी स्क्वायर एंड दूसरा वेरिएबल लेंगे एंड वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। फिर अगेन वो एक सिंपल फंक्शन बन जाएगा जिसको हम डिफ्रेंशिएट करके जैसे कि हमने पहले देखा है मैक्सिमा निकालेंगे इसका। ठीक है, एक तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में जाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हमें बोला गया, ये क्वेश्चन पहले CBSE बोर्ड में आ चुका है, तो इसमें ये गिवन था बेसिकली कि अगर एक पेरीमीटर ऑफ एक सेमी सर्कल प्लस एक रेक्टेंगल फिक्स्ड है, उसको फिक्स को लेट्स से हम ले लेते हैं 12 यूनिट्स, तो प्रूव दैट मैक्सिमम एरिया तभी होगा व्हेन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है। ठीक है, तो अब स्क्वायर की साइड हो गई एक एक्स एंड लेट्स से कि हम इसका रेडियस ले लेते हैं वाई। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमें गिवन है कि पाई इंटू वाई प्लस थ्री एक्स इक्वल टू 12,
हमें फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर बाई टू। अगेन जब हम पाई वाई को यहाँ पे वाई को सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स के टर्म्स में एंड जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यही आएगा कि टू वाई इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स बाई टू, विच बेसिकली मीन्स कि डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसमें हमने अगेन सेम, तो हर टाइप के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम यूज़ करना है। बोर्ड्स में ऑफन क्वेश्चन जो आएंगे वो हमें हमें दो इक्वेशन देंगे, एक इक्वेशन जो होगी वो होगी कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट और एक होगी मैक्सिमाइजेशनल इक्वेशन, यानी जिस इक्वेशन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो हम कंस्ट्रेंट की हेल्प से एक इक्वेशन जो दो दूसरी इक्वेशन जो दो वेरिएबल में उसे एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे एंड उस इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा इन तरीकों से निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।